बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल इजी मज़ेदार सी मैक्रोनीज़ की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। मैक्रोनीज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो उबलते हुए पानी के अंदर हम नमक शामिल करेंगे। तो 1 लीटर पानी ले लिया था, जिसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया था। नमक डाला है मैंने इसमें 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, जो कि जाएगा 2 टेबलस्पून। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि मैक्रोनीज़ आपस में चिपके नहीं। तो पानी में बॉयल आ चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं मैक्रोनीज़, जो कि मैं डाल रही हूँ 1.5 कप। मैंने यहाँ पे एल्बो मैक्रोनीज़ का इस्तेमाल किया है, आप कोई से भी मैक्रोनीज़ पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब हमने पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैक्रोनीज़ को बॉयल करना है जब तक के ये गल नहीं जाते। अब मैक्रोनीज़ को मैंने पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जितना इस पे टाइम लिखा है उस हिसाब से मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। तो जो भी आप पास्ता लेना या मैक्रोनीज़ लें, तो पैकेट के ऊपर जितना टाइम लिखा हो उस हिसाब से आप उसको बॉयल कर लीजिएगा। तो मैक्रोनीज़ हमारे फुली डन हो चुके हैं, इस पर हम ठंडा पानी डालेंगे, ड्रेन कर लेंगे और कम्प्लीटली ठंडा कर लेने के बाद आगे का स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर खुली वोक ले ली है, जिसमें हम डालेंगे तकरीबन 1/4 कप तेल। तेल को हम गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, तो उसमें 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसको हम चंद सेकंड्स के लिए सॉटे करेंगे। बस इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो देखें, हमने इसको सॉटे कर लिया है, तो इसमें डाल देते हैं 1 छोटी डली प्याज की, जिसको बिल्कुल फाइन मैंने चॉप कर लिया था। दोनों चीज़ों को हमने इतना सॉटे करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो देखें, प्याज हमारी बिल्कुल सॉटे हो चुकी है, तो इसमें एक छोटी सी मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई, इसको भी हम सॉटे कर लेंगे चंद सेकेंड्स के लिए। अब ये तीनों चीज़ें हमारी अच्छे से सॉटे हो चुकी हैं, खुशबू आ रही है काफ़ी अच्छी सी इसमें से। तो इसमें शामिल कर देते हैं हम बोनलेस चिकन, जो कि मैंने ले ली है 1 कप, जिसको मैंने देखें छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया था। चिकन का ब्रेस्ट पार्ट इस्तेमाल किया है मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब हम इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। चिकन को हमने जब तक पकाना है जब तक ये पिंक से वाइट नहीं हो जाती। तो देखिए, चिकन हमारी पिंक से वाइट हो चुकी है, तो इसमें हम शामिल कर देते हैं नमक हसबे ज़रूरत। मैंने अभी थोड़ा हाथ रोक के डाला है नमक, क्योंकि हम इसमें चिकन स्टॉक क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। तो आधा चिकन स्टॉक क्यूब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, जो कि मैंने डाली हैं 1/2 टीस्पून। पेपरिका पाउडर भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, जो कि जाएगा 1/2 टीस्पून ही। पेपरिका ना हो तो रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मिर्चें कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है पार्सले 1/2 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है, नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब चिकन को मसाले के साथ हमने इतना पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर प्योरी, तो एक छोटा सा टमाटर था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। तो देखें, जैसी मोटी मोटी सी ये प्योरी बन गई है, ये मैंने शामिल कर दी है। इसको भी डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर साथ ही मैं शामिल करी हूँ सोया सॉस 1 टीस्पून। इसी के साथ इसके अंदर हम विनीगर भी डालेंगे, तो विनीगर जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ही। अब इसमें शामिल कर देते हैं टोमेटो केचप, जो कि जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। टोमेटो केचप डालने के बाद चिकन को हमने तब पकाना है कि चिकन गल जाए। तो देखें, चिकन हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है, तो साथ ही इसके अंदर हम कुछ सब्जियाँ भी शामिल कर देंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर डालेंगे हम बारीक कटी हुई गाजर 1/4 कप, इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। और साथ ही ना इसके अंदर हम डाल देंगे पास्ता का पानी, जिसको मैंने उबलते वक्त उठा लिया था। ये 1/4 कप चला गया है इसके अंदर। अब हमने इतना पकाना है गाजरों को कि गाजर हमारी गल जाए। तो देखिए, ऑलमोस्ट 5 मिनट लगे हैं और ये गाजरें हमारी गल चुकी हैं। जब गाजर हमारी गल चुकी हैं, तो इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च 1/4 कप, और शिमला मिर्च डाल के इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बस इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना तो सब्जियों का सारा कलर ख़राब हो जाएगा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसमें हम डाल देते हैं पास्ता। तो पास्ता को जब मैंने ड्रेन किया था ना, तो इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाल दिया था ताकि पास्ता जुड़े नहीं। साथ ही मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर बारीक कटी हुई स्प्रिंग अनियन हरी प्याज शामिल कर दी है, और इसको डाल देने के बाद बहुत अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। देखिए, मैक्रोनीज़ को मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लिया है, और ये ऑलमोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये पास्ता की रेसिपी है, जो कि एक देसी टच के साथ तैयार की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है, तो जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, तो उसकी पिक्चर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।
पास्ता हमारा रेडी हो चुका है, तो बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये थी रेसिपी आज की पास्ता की, क्विक एंड इजी रेसिपी, जिसे आप हाई टी में बनाइए या फिर आप इसको डिनर में बनाइए। तो मज़ीद रेसिपीज जानने के लिए ज़रूर से चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।